सो हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगे। तो कैसे, आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले अपने फ्री फायर गेम में आने वाले कुछ न्यू इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में। एंड भाई लोग, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई लोग आज मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। जैसे भाई लोग हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ईवो गन की स्किन के बारे में, क्योंकि भाई लोग काफ़ी बंदे कंफ्यूज हो चुके हैं कि उन्हें M1014 का ईवो गन का स्किन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बंदे कह रहे थे भाई अपना M1887 भी आएगा, तो इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूंगा कि अपने M1887 का क्या सीन होने वाला है, ठीक है। और भाई लोग, इसी के साथ साथ हम बात करने वाले अपने अप्रैल मंथ के लाइट पास के डिस्काउंट इवेंट के बारे में। काफ़ी बंदे मेरे को कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई हमें ये बताओ कि अपना अप्रैल मंथ का लाइट पास डिस्काउंट में आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो उसकी कंफर्म डेट क्या होने वाली है। तो गाइस, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना। आज मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किए हैं, तो भाई वीडियो को भी नहीं स्किप करें, पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ईवो गन की स्किन के बारे में कि आप सभी को अपने गेम में नेक्स्ट ईवो गन की स्किन कौन सी देखने को मिलेगी। एंड भाई लोग, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होने वाले, उसका कन्फर्म इवेंट कौन सा होने वाला है, एंड आपको उसका कंफर्म डेट कब तक देखने को मिलेगा, वो अपने गेम में कब तक आएगी, उसके बारे में भी आपको फुल डिटेल्स दे दूंगा। तो गाइस, जो अपनी नेक्स्ट ईवो गन की स्किन होने वाली है वो अपनी M1014 की होने वाली है। आप सभी को अपनी M1014 की स्किन देखने को मिलेगी। आप सभी को कुछ इस टाइप से अपने M1014 की गन की स्किन का लुक देखने को मिलेगा। इसका लुक पूरा खतरनाक सा लग रहा है। आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। एंड भाई लोग, इसकी एबिलिटी देख लो, आपको ज्यादा कुछ खास एबिलिटी दी नहीं गई है, लेकिन भाई लोग इसका लुक काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो इसकी एबिलिटी आपको सिंगल डैमेज देखने को मिलेगा, आपको डबल रेट ऑफ फायर देखने को मिलेगा, एंड आपको यहाँ पे रिलोड स्पीड माइनस देखने को मिलेगा। इसकी एबिलिटी ज्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन भाई लोग इसका लुक काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। काफी बंदे तो इसके लुक को देख के ही परचेस कर लेंगे। तो गाइस, ये जो अपना इवेंट आएगा अपने फेडेड व्हील में आएगा, आप सभी को अपने फेडेड व्हील में ईवो गन की स्किन देखने को मिल जाएगी, एंड आपका आराम से 1200 डायमंड में निकल जाएगा। तो भाई लोग, अब बात करते हैं ये जो अपनी गन की स्किन होने वाली है, इसकी कंफर्म डेट क्या होने वाली है, ये अपने गेम में कब तक आएगी। तो गाइस, मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये अपने अप्रैल के मंथ में नहीं आएगी, ठीक है। ये आपको अपने मई के मंथ में देखने को मिलेगी, और 1 मई के बाद से आपको इसका फेडेड व्हील देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो गाइस, अब बात करते हैं, काफ़ी यूट्यूबर आपको बता रहे थे कि भाई जो अपनी नेक्स्ट ईवो गन की स्किन होने वाली है वो अपनी ईवो M1887 की होने वाली है। तो गाइस, मैं आप सभी को बता देता हूँ, काफ़ी यूट्यूबर आपको ये वाली गन की स्किन के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो गाइस, मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये जो अपनी गन की स्किन है वो अपनी लेजेंडरी गन की स्किन है, ना ही अपनी ईवो गन की स्किन है। क्योंकि भाई लोग, आप सभी को पता है जो अपनी ईवो गन की स्किन होती है उसे हमें अपग्रेड करना पड़ता है। एंड आपको काफ़ी यूट्यूबर ने इसके बारे में बताया होगा, लेकिन भाई लोग आपको इसके लेवल के बारे में नहीं बताया होगा, ठीक है। तो भाई, मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये अपनी एक लेजेंडरी गन की स्किन है जो कि एक किसी वेब इवेंट में आएगी, ठीक है। तो इसके जो चांसेस बन रहे हैं कि आप सभी को ये रोलर डाइस के इवेंट में देखने को मिलेगी, तो भाई देखते हैं ये कौन से इवेंट में आती है, ठीक है। एंड भाई लोग, मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ, ये अपनी ईवो गन की स्किन नहीं है, ठीक है। एंड भाई लोग, अब बात करते हैं अपने गेम में कुछ न्यू इमोट आने वाले जो कि आप सभी को अपने टॉप अप इवेंट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो भाई, आप यहाँ पे देख लो, आपको कुछ इस टाइप से अपना इमोट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना पूरा कोनाइट के बेसिस पे बनाया गया है। तो यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे कुछ चीज़ निकल जाता है, पंचिंग बैग निकल जाता है, एंड यहाँ पे ये पंच मारता है, ठीक है। तो गाइस, मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इमोट लग रहा है। एंड भाई लोग, आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और इसके चांसेस बन रहे हैं कि आपको ये टॉप अप इवेंट में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख लो, आपको मैं अभी कुछ ग्लोवल की स्किन दिखाऊंगा। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख लो, आपको कुछ इस टाइप से अपने गेम में ग्लोवल की स्किन देखने को मिलेगी। आपको कुछ वेब इवेंट में, आपको किसी फेडेड व्हील में, आपको किसी टॉप अप इवेंट में ये सारे ग्लोवल की स्किन देखने को मिल जाएगी। और ये जो ग्लोवल की स्किन होने वाली है जल्द अपने गेम में आने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, आपको कुछ इस टाइप से ग्लोवल की स्किन देखने को मिलेगी। आपको मतलब तरह तरह के ग्लोवल की स्किन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो भाई लोग, ये मैं आप सभी को बता देता हूँ, आपको इनमें से कोई सी भी एक टॉप अप इवेंट में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ खास ग्लोवल की स्किन नहीं है, ठीक है। तो कैसे, बात करते हैं अपने कोनाइट के इवेंट के बारे में। भाई, आप सभी को पता है अभी तक अपने गेम में कोनाइट का मेल का बंडल नहीं आया है। तो भाई, अपना जो कोनाइट का मेल का बंडल होने वाला है वो कुछ इस टाइप से होने वाला है। आपको कुछ इस टाइप से एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका लुक देख लो, आपको कुछ इस टाइप से लुक देखने को मिलेगा। एंड अपनी एक और न्यू फिस्ट आने वाली, तो आप सभी को कुछ इस टाइप से फिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कैसे, ये जो अपना कोनाइट का बंडल है, एंड उसी के साथ साथ ये जो अपनी फिस्ट की स्किन है, ये आप सभी को अपने कोबरा जैसे लक रॉयल में देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देख लो, आपको कुछ इस टाइप से इवेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, आपको यहाँ पे फिस्ट की स्किन भी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको बंडल भी देखने को मिल जाएगा। एंड भाई लोग, अब लास्ट में हम बात करते हैं अपने अप्रैल मंथ के लाइट पास के डिस्काउंट इवेंट के बारे में। तो भाई, मैं आप सभी को सिंपल से भाषा में बता देता हूँ, आपको लाइट पास में डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। गाइस, मेरे को पता है काफ़ी यूट्यूबर आपको बताएंगे कि आपको इस डेट पे लाइट पास का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, इस डेट पे आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन भाई लोग, आपको लाइट पास का डिस्काउंट इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। एंड भाई लोग, आप देख भी लेना, आपको लाइट पास का डिस्काउंट इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको लाइट पास का डिस्काउंट इवेंट देखने को मिल जाता है, तो भाई इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो भाई लोग, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको लाइट पास का डिस्काउंट इवेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो भाई आपको क्या करना है, आपको 22 अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा, एंड आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है।
तो अपना 22 अप्रैल के बाद एलाइट पास का डिस्काउंट नहीं आता है, तो भाई आप ध्यान में रख लेना 22 अप्रैल के बाद अपना कोई से भी एलाइट पास का डिस्काउंट इवेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय गाइस।